जय जगन्नाथ जी। दोस्तों, अगर आप जगन्नाथ जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखें। आप पर जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे। जय श्री जगन्नाथ। 16वीं सदी के संत अच्युत्यानंद दास ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत, महाविनाश और उसके बाद नए युग की कई भविष्यवाणियां की है। वर्तमान में उनके द्वारा लिखी पुस्तक भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर में कुछ घटनाएं घटेंगी तो समझ लेना कि कलयुग का अंत हो गया है और अब महाविनाश आरंभ होने वाला है। आइए जानते हैं उन्होंने किन घटनाओं के बारे में लिखा है। उनके बताए गए संकेतों में पहला संकेत यह है कि जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नवलेक्वर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ये रस्म देरी से हुई। उड़ीसा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखते हैं। इसके बाद यहाँ की अवस्थाएं सभी के सामने उजागर हुई। संत ने भविष्यवाणी की थी कि जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद के नीचे पत्थर गिरेंगे। कहते हैं कि वर्ष 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। भविष्यवाणी का तीसरा संकेत था बरगद का पेड़। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी कि पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। ऐसा ही हुआ। उड़ीसा में 2019 में फानी नाम का तूफान आया था, जिसमें ये बरगद का पेड़ गिर गया था। उसके बाद 2019 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप आरंभ हुआ और लोगों के मरने का सिलसिला आरंभ हो गया। चौथा संकेत ध्वज का गिरना। जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा। मई 2019 में चक्रवर्ती तूफान फानी के कारण यह घटना घट चुकी है। इसके बाद मई 2020 में भी ये घटना घट चुकी है। पांचवा संकेत नीलचक्र का टेढ़ा होना। जगन्नाथ मंदिर का नीलचक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान यानी फानी के कारण ये विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। छठा संकेत ध्वज का जलना। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा था जिससे त्राही मच गई थी। चारों तरफ चिताएं जल रही थी। सातवां संकेत त्रिदेव के वस्त्र। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर परिसर में यह घटना भी कई बार हो चुकी है। आठवां संकेत गिद्धों का गुमंत पर बैठना। मंदिर के शिखर पर और एकाशम स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ता नहीं देखा गया और ना ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई दिए। मंदिर के शिखर ध्वज, एकाशम स्तंभ और नीलचक्र पर ये पक्षी बैठे हुए दिखाई दिए थे। नौवां संकेत रक्त के धब्बे। जगन्नाथ मंदिर के में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे, ये घटना भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं, कभी झगड़ों के कारण तो कभी किसी अन्य रस्मी वजह के चलते खून के धब्बे देखे गए। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके महानुष्ठान भी किया गया है। उपरोक्त सभी विश्वानियां सत हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि कलयुग का अंत आ चुका है और विनाश का समय भी आरंभ होगा। दोस्तों, अगर आपने भविष्य मलिका पुस्तक पढ़ी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपकी क्या राय है इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर आप जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखें।